Well done, Nisha. Well played. Thank you, sir. और निशा, तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? यस सर, जॉब तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए माय न्यू रैकेट। ये तो तुम्हारी फेवरेट कंपनी का है, सही है? यस सर, जब कोई चीज सही तरीके से चलती है तो उसे चेंज क्यों करें? राइट। उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने से फायदा है ना, रूल फॉलो करने की तरह। अच्छा, फिर तो तुम एनजे म्यूचुअल फंड की रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी बिल्कुल सूट करेगी। उनकी सोच कुछ ऐसी ही है। एनजे म्यूचुअल फंड? वो कैसे? एनजे म्यूचुअल फंड रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी फॉलो करता है। उनके डेटा साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सालों की कंपनी और मार्केट डेटा एनालाइज करते हैं, फिर इस एनालिसिस को यूज करके इन्वेस्टमेंट रूल्स बनाते हैं, और एक बार ये रूल्स बन गए तो उसके बेसिस पर एसेट एलोकेशन और स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं कंसिस्टेंटली। अरे वाह, स्टॉक सिलेक्शन तो समझ में आ गया, पर ये एसेट एलोकेशन क्या है? जो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ इन दोनों के बीच के एलोकेशन को बदलते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए। इन फंड्स को बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जाना जाता है। अभी एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ बस आने ही वाला है। अगर एसेट एलोकेशन और स्टॉक का सिलेक्शन पूरे रूल बेस्ड तरीके से हो तो डिसिप्लिन का फायदा भी मिलता है ना? कुछ डिफरेंट, अलग। हाँ, क्या बात है सर, आप तो बैडमिंटन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी बहुत एक्सपर्ट हो। कई सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत समझता हूँ। चलो, बहुत बातें हो गई, अब सर्व करने की प्रैक्टिस करो। बैलेंस है तो बेहतर है। एनजे म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एन ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। एनएफओ ओपन्स 8 अक्टूबर 2021, एनएफओ एंड्स 22 अक्टूबर 2021। For any queries, contact your mutual fund distributor today or visit our website www.njmutualfund.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.